बिहारी बेजोड़ के आज के सेगमेंट में बात एक ऐसे उद्योगपति के बारे में जिन्होंने बिहार के साथ साथ पूरे देश का मान बढ़ाया है। जब आप उस उद्योगपति के बारे में सुनेंगे तो आप भी कहेंगे क्या ये बिहार के रहने वाले हैं। इस व्यक्ति ने अपने हौसले और साहस के बदौलत वो मुकाम हासिल किया जो किसी भी एक व्यक्ति के बूते की बात नहीं है। इसलिए यह कहा जाता है कि ऊंचाई पर पहुंचे व्यक्ति का नाम हर कोई याद रखता है, लेकिन जरा उस ऊंचाई तक पहुंचने में कितने संघर्ष करने पड़े हैं इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होता। आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे एक ऐसे बिहारी के बारे में जो अपने नौ बिजनेस में फेल हो गया था, लेकिन उसके बाद भी उसने हार नहीं मानी। उसका बचपन गरीबी में गुजरा था, लेकिन वह कभी भी टूटा नहीं। जब सामने आया तो इतिहास के पन्नों में उसका नाम दर्ज हो गया। आज हम बात करने जा रहे हैं वेदांता ग्रुप के मालिक अनिल अग्रवाल के बारे में। अनिल अग्रवाल का जन्म पटना जिले के एक छोटे से गांव में 24 जनवरी 1954 को हुआ था। तब परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उस दौरान घर परिवार की कुल आमदनी 400 रुपये हुआ करती थी, जिससे घर चलता और बच्चों की पढ़ाई भी होती थी। अनिल अग्रवाल ने अपने स्कूल जाने के दिनों को याद करते हुए एक बार बताया, जब मैं 6 साल का था तो मुझे 10 किलोमीटर दूर स्कूल में पैदल जाना पड़ता था। फिर पिताजी ने मुझे एक साइकिल गिफ्ट किया। यह पल मेरे जिंदगी का सबसे रोमांचित कर देने वाला पल था। अनिल अग्रवाल ने साल 1972 तक अपने स्कूली करियर को पूरा किया। इसके बाद उन्होंने यह फैसला किया कि वे आगे की पढ़ाई यानी कि कॉलेज की पढ़ाई नहीं करेंगे और अपने पिता के साथ मिलकर आगे अपना कारोबार बढ़ाएंगे। तब उनकी उम्र 19 साल की थी और उन्होंने हाथ में लंच बॉक्स और बिस्तर के साथ ढेर सारी उम्मीदें को लिए हुए माया नगरी मुंबई की ओर निकल पड़े। जहां पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले काली और पीली पट्टी वाली टैक्सी देखी थी। यहां उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी। यहां उन्होंने डबल डेकर बस देखे। अब अगर मुंबई जैसे शहर में आप एक अनजान व्यक्ति की तरह चले जाएं तो आपको कैसा लगेगा, जैसे इतनी भीड़ में हम अकेले खड़े हों। यहाँ उनका कोई जानने वाला नहीं था, तो उनके बुरे वक्त में उनके साथ चले। ऐसे में वे पूरी तरह से अकेले मुंबई पहुँचे। अनिल अग्रवाल के पिता लोहे के काम करते थे। ऐसे में अब अनिल अग्रवाल के भी मन में यही चल रहा था कि किसी तरह से दूसरे के यहाँ काम करने से अच्छा है अपना खुद का काम शुरू किया जाए। तो मुंबई के भोईवाड़ा में मेटल मार्केट में किराए पर एक छोटी सी दुकान खरीदी। हालांकि इसके बाद इस क्षेत्र में कोई खास अनुभव इनके पास नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इसको छोड़ा नहीं। बस वे अपने सपने को पूरा करने के लिए काम करते रहे। आपको बता दें कि उनके दुकान में मेटल की कबाड़ बिकती थी। साल 1970 में उन्होंने मेटल की धातुओं की ट्रेंडिंग करना शुरू कर दिया। इस दौरान तक वे प्रदेश के ही अन्य कंपनियों के सामान को खरीदकर मुंबई में बेचा करते थे। वो कहावत है ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अनिल अग्रवाल ने यह साबित कर दिया कि अगर आप मन से किसी भी काम को करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब क्या था, उन्होंने देखते ही देखते अपनी एक कंपनी बना ली। बहुत सारी खोजबीन और रिसर्च के बाद उन्होंने 1976 में वेदांता रिसोर्सेज के नाम से अपनी एक कंपनी की बुनियाद रखी, जिसका पहला ऑफिस कबला देवी में बहुत छोटा था, जिसमें मुश्किल से 3 आदमी बैठ सकते थे। उन्होंने फ़ोन भी उधार पर ले रखा था। वह कंपनी के शुरुआती दिनों में स्क्रैप खरीदते थे और मुंबई में बेचते थे। उन्होंने तकरीबन 10 सालों तक यही काम किया और अपना व्यापार आगे बढ़ाने के लिए बैंक से कर्ज लेने के बारे में सोचा, लेकिन उन्हें बहुत भटकना पड़ा। सिंडिकेट बैंक से 50,000 रुपये का कर्ज भी मिला। बैंक के लोन लेने के दिनों को याद करते उन्होंने बताया कि उन दिनों मेरा अधिकांश समय सिंडिकेट बैंक के बाहर ही बीतता था। उन्होंने बताया कि मैं बाहर बैठे बैठे शीशे से मैनेजर का चेहरा देखता था। अगर उनका चेहरा शांत खुशी वाला होता तो हम उनके चेक क्लियर करवाने के लिए अंदर बैंक में चले जाते थे ताकि चेक मेरा क्लियर हो सके। साल 1976 में दिवालिया हो चुकी शमशेर स्टर्लिंग केबल कंपनी खरीद ली, लेकिन उस समय तक उनके पास इतने पैसे नहीं थे तो वे थोड़ी परेशानी में जरूर आ गए। वो एक कहावत है ना कि अगर आप किसी काम को दिल से करते हैं तो धीरे धीरे आप उसके मुकाम तक पहुंच ही जाते हैं। इसी के साथ अनिल अग्रवाल की सफलता का दरवाज़ा भी यहीं से खुलता है। अनिल अग्रवाल ने अपनी पहली कंपनी के खरीदने के अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने बताया कि उस समय कंपनी को खरीदने के लिए उन्हें 16 लाख रुपये डाउन पेमेंट करने थे। उन्होंने बताया कि पैसे नहीं होने के कारण लोन लेकर यह काम किया था। उस दौरान देश की नामचीन वकीलों की भी उन्होंने मदद ली थी। सोशल मीडिया पर उन दिनों की बातों को लिखते हुए उन्होंने यह भी बताया कि जब वह कंपनी को अपने नाम
करवाने के कागजात पर साइन कर रहे थे, उस समय उनके आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता था कि आने वाले समय उनका इतना उतार चढ़ाव होने वाला है। कंपनी खरीदने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वे अपने कर्मचारियों का वेतन किस रूप में और पैसे कहाँ से ला कर देंगे, उस समय कंपनी के लिए कच्चे माल कहाँ से खरीदेंगे और कैसे खरीदेंगे, इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएगा। इस दौरान तक उनके पास एक छोटी सी दुकान थी जो कि चल रही थी, लेकिन कंपनी को चलाने के लिए उनके पास पैसे बहुत ही कम थे। ऐसे में उनके सामने एक विकल्प था और वो था बैंक से लोन लेना, जिसके लिए उन्होंने बैंक के बाहर एक लंबा समय उन्होंने लोन लेने के तौर पर बिताया। खैर, उन्होंने एल्युमिनियम रॉड, मैग्नेटिक वायर जैसे अलग अलग 9 बिजनेस किए। इस दौरान उन्होंने एल्युमिनियम रॉड, मैग्नेटिक वायर जैसे अलग अलग 9 बिजनेस किए और वे भी बंद होते चले गए। वे हर बिजनेस में लगातार विफल होते जा रहे थे। यह वह दौर था जब अनिल अग्रवाल पूरी तरह से डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। एक फिल्म का डायलॉग है ना कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ठीक उसी बाजीगर की तरह अनिल अग्रवाल की अपने बुरे दौर को पार कर चुके थे। कुछ सालों तक उनके जीवन में बुरे दौर रहे, लेकिन 3 साल के तनाव भरे दिनों से गुजरने के बाद उन्होंने अपने आप को एक बार फिर से उन्होंने तरोताजा किया। उनके उन दिनों को याद करते हुए यह भी कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति यह थी कि वे अपनी पसंदीदा फिल्म शोले भी नहीं देख पा रहे थे। हालांकि अब यह दौर जाने वाला था और आया साल 1986। इसमें भारत सरकार टेलीफोन केबल बनाने का अधिकार प्राइवेट कंपनियों को भी देने लगी थी। ऐसे में यह अनिल अग्रवाल के लिए यह एक अच्छा मौका था। उन्हें लगने लगा था कि यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। आपको याद होगा कि अनिल अग्रवाल ने शुरुआती समय में स्टार लाइट नाम की एक कंपनी को खरीदा था। यही कंपनी कॉपर को रिफाइन करने वाली देश की पहली प्राइवेट कंपनी बनी। इसके बाद साल 2003 में वे लंदन चले गए। कहते हैं कि लंदन खनन और धातु कंपनियों का मुख्यालय है। जब अनिल अग्रवाल लंदन पहुंचे तो यहाँ उनकी कंपनी का पूरा स्वरूप ही बदल गया। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि कोई ताकत थी जिसने मुझे इतनी दूरी तय करने में मेरी मदद की। उन्होंने कहा कि वहाँ मेरी मुलाकात ब्रायन गिल्बर्टन से हुई, जो कि कुछ दिनों तक बाद हिंदुस्तान आए। उन्होंने मेरी तमाम संपत्तियों का आकलन किया और अनिल अग्रवाल से वे काफ़ी प्रभावित हुए, जिसके बाद मैंने उन्हें अपनी कंपनी का चेयरमैन बना दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने साल 2003 में अपनी कंपनी को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भी किया और $876 जमा करवाए, जिसके बाद ही वेदांता लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूची होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। इतना ही नहीं, उन्होंने 10 साल के अंदर खनन और धातुओं के मामले में अपनी कंपनी को भारत में पहले स्थान पर पहुंचाया। साल 2014 में अनिल अग्रवाल ने अपने परिवार की सहमति से यह ऐलान किया कि वे अपनी कमाई का 75% हिस्सा भारत में निःशुल्क शिक्षा को देने वाले जो जितने भी बड़े प्रोजेक्ट होंगे उनमें वो अपनी राशि को वहन करेंगे। अग्रवाल की इच्छा है कि भारत में ऑक्सफोर्ड से भी बड़ी यूनिवर्सिटी हो जो कि बिना किसी लाभ और हानि के चल सके। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो अनिल अग्रवाल ने करीब 21,000 करोड़ रुपये की राशि जो है वो अब तक दान कर चुके हैं। बता दें कि यह राशि अब तक किसी भी भारतीय द्वारा दान की गई सबसे बड़ी राशि है। संडे टाइम्स रिच की लिस्ट 2020 में अनिल अग्रवाल की कुल संपत्ति $8.5 बिलियन आंकी गई थी। अनिल अग्रवाल अपनी सफलता के पीछे अपनी माँ और अपनी पत्नी को श्रेय देते हैं। उन्होंने कहा था कि किसी भी असंभव लगते लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि पहले आप अपने लक्ष्य की कल्पना करें, फिर चीज़ों का आकलन करें और उसके बाद पूरी प्रतिबद्धता के साथ गोल हासिल करने के लिए मैदान में उतर जाए। कारोबारी दुनिया एक ऐसा निरंतर चलने वाला खेल है जिसमें कोई हमेशा नंबर 1 या 2 नहीं हो सकता, पर हमेशा लक्ष्य हमेशा यही होना चाहिए कि हम अपनी क्षमताओं का अधिकतम विस्तार कर सके। और इस तरह से अनिल अग्रवाल जो है वो भारत और पूरी विश्व की दुनिया में एक पहचान बन गए हैं। बिहार के इस बेटे को बिहार के ही लोग बहुत अच्छे से नहीं जानते होंगे, लेकिन अनिल अग्रवाल ने वो काम किया जो किसी एक व्यक्ति के भूते की बात नहीं है। उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत कवाड़ से की थी और आज वो मेटल की दुनिया में बेताज बादशाह हैं। और चलते चलते आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ, अनिल अग्रवाल से जुड़ी हुई वो कौन सी बात है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।